के लिए दिवाकर गौड़। महमूद बद्दी के प्रधानमंत्री के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने के इनविटेशन पर दिए गए बयान का एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पूर्ण रूप से समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को किसी भी धार्मिक इनॉग्रेशन या शिलान्यास में जाने से बचना चाहिए। श्री रामचंद्र जैसी शख्सियत को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, उनके डेकोरम का सवाल है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बयान था जिसका समर्थन किया है पीएम को धार्मिक इनॉग्रेशन से बचना चाहिए। राम मंदिर उद्घाटन का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी की होने वाली भागीदारी पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने खरारी आलोचना की है। मदनी ने कहा कि धार्मिक अनुष्ठान राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए। वहीं उन्होंने अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को गलत माहौल में गलत सिद्धांतों को आधारों पर दिया गया फैसला करार दिया। हम उस फैसले को जो अयोध्या के बारे में आया है कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को सही नहीं मानते हैं। हमारा ये मानना है कि वो फैसला गलत माहौल में गलत तरीके से गलत बुनियादों पर किया गया है, एक बात। दूसरी बात यह कि मुल्क के वजीर आजम को ना किसी मंदिर ना किसी इबादतगाह के इफ्तिताह के लिए संग बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। मदनी के इस बयान के बाद वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई हिंदू संतों ने इसे लेकर मदनी को निशाने पर दिया। सर्वोच्च न्यायालय से जो फैसला आया है उसके अगेंस्ट अगर कोई भी बोलता है, सर्वोच्च न्यायालय के अगेंस्ट अगर कोई बयान दे रहा है तो यह घृणा फैलाने के लिए है, नफरत फैलाने के लिए है। इस तरह के बयान के कारण ही देश विरोधी नारा लगते हैं, पत्थरबाजी होती है। मौलाना असद मदनी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि बाबरी मस्जिद वो थी, गलत डिसीजन राम जन्मभूमि के पक्ष में आया, इसके नाते देश के प्रधानमंत्री जी को उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में नहीं जाना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। मौलाना महमूद हसन मदनी को यह अधिकार किसने दिया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किस धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए और किस धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री पद के साथ साथ व्यक्ति की अपनी धार्मिक आस्था और पूजा पद्धति होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान राम लला के भव्य मंदिर के भव्य लोकार्पण के लिए श्री अयोध्या जी 22 जनवरी को पधारने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि असद मदनी साहब को भी ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करनी चाहिए जो हमारी मर्यादा और प्रतिष्ठा और संस्कृति के मानक हैं। बता दें कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। बीते दिनों राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर इसके लिए उन्हें आमंत्रित भी किया था। टी न्यूज स्टेट। बहराइच में बेखौफ दबंगों का आतंक देखने